आपके साथ हूं मैं नेहा बात। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी मामले में वांटेड कारोबारी नवी कालरा से जुड़ी हुई है। दरअसल अग्रिम जमानत अर्जी पर साकेत कोर्ट ने कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए कालरा ने साकेत कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। पिछले दिनों दिल्ली के खान मार्केट में नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट्स पर छापा मारकर पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए थे। तभी से कालरा परिवार समेत फरार हैं। कालरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। पूनम शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। पूनम, हालांकि कल अब सुनवाई होनी है लेकिन पहले से अग्रिम जमानत की याचिका ये दर्शाती है कि कालरा इस पूरे मामले में एब्सकॉन्डिंग है और वो नहीं चाहता कि उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे जेल हो। बिल्कुल ठीक कहा नेहा आपने, और इसीलिए जो आज ये अर्जी लगाई गई थी उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि पुलिस की तरफ से कोई ऐसा एक्शन ना लिया जाए जो उसके खिलाफ हो, लेकिन कोर्ट ने आज कोई भी स्टे नहीं लगाया है। पुलिस एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है और साथ ही पुलिस से इस मामले में कोर्ट ने जवाब जरूर मांगा है ताकि जांच अभी किस दिशा में हो रही है और जांच में अब तक क्या क्या पाया गया है, जब कल सुनवाई हो तो कोर्ट के पास ये तमाम जानकारियां पुलिस की तरफ से मुहैया कराई जाए। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उससे कहा गया है कि अब तक की जो क्राइम ब्रांच की जांच हुई है उसमें तमाम चीजें जो मिली हैं नवनीत कालरा को लेकर वो बताई जाए, और इसीलिए जो अग्रिम जमानत अर्जी है उस पर आज सुनवाई जो है वो कल तक के लिए टल गई है। और जैसे कि पहले ही पुलिस बता चुकी है सुनवाई के दौरान कि LOC भी हम जारी कर चुके हैं, यानी कोर्ट ने भी पूरी तौर से इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और इसीलिए जब कल सुनवाई होगी तो तमाम जो सबूत हैं उसके खिलाफ वो पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरीके से लगातार निराश करने वाली खबरों के बीच कोरोना को लेकर पहली बार कुछ राहत की खबर आई है। देश में कोरोना के दैनिक मामले यानी कि 24 घंटे में आए मामले कुछ कम हुए हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के आंकड़ों से ये लग रहा है कि ये राज्य कोरोना महामारी से उबरने के संकेत दे रहे हैं। देश के करीब 20 राज्यों में इस समय लॉकडाउन या फिर कोरोना कर्फ्यू लगा है, तो क्या लॉकडाउन एक बार फिर से कारगर साबित हो रहा है? आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का, तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की जरूरत है। कोरोना के 3,66,161 नए केस, 3,754 लोगों की मौत, 3,53,818 कोरोना मरीजों की अस्पताल से छुट्टी। ये आंकड़े राहत पहुंचाने वाले हैं। जब दूसरी लहर की पीक की ओर अटकलों का दौर चल रहा था, कोरोना के रोजाना के मामलों में करीब 37,500 की गिरावट ने उम्मीद की रोशनी दिखा दी थी। खास बात यह है कि कोरोना के दैनिक मरीज और ठीक होने वालों का फासला बिल्कुल कम हो गया है, यानी जितने लोग बीमार पड़े करीब उतने ही स्वस्थ हो गए। पिछले 4 दिनों से कोरोना के रोजाना मामले 4,00,000 के ऊपर चल रहे थे, आज ये सिलसिला टूट गया। पिछले 4 दिन के कोरोना के रोजाना के मामलों पर नजर डालें तो 6 मई को 4,12,262 केस, 7 मई को 4,14,188 केस, 8 मई को 4,01,078 केस, 9 मई को 4,03,738 नए मामले। तो क्या अलग अलग राज्यों ने किश्तों में अपने यहाँ जो लॉकडाउन लगाए उसका असर अब दिखने लगा है? क्या वक्त आ गया है कि पिछले साल कोरोना को रोकने के लिए जिस सख्ती से राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था उसका वक्त आ गया है? याद कीजिए, पिछले साल जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था तब देश में 600 से भी कम कोरोना के केस थे और सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज लगातार 4,00,000 के इर्द गिर्द रोजाना नए केस आ रहे हैं, तो क्यों नहीं इस आजमाए हुए फॉर्मूले को फिर से अपनाया जाए। वी रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट लॉकडाउन फॉर 15 डेज
नॉट ओनली टू ब्रेक द चेन ऑफ दिस इन्फेक्शन बट ऑल्सो फॉर द ऑगमेंटेशन ऑफ द वेरियस हेल्थ रिक्वायरमेंट्स एस्पेशली ऑक्सीजन सप्लाई एंड वेरियस ड्रग्स रिक्वायर्ड। राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लॉकडाउन का धीरे धीरे ही सही लेकिन असर है। दिल्ली की मिसाल लीजिए, दिल्ली में जब 19 मई को लॉकडाउन का ऐलान हुआ था उस दिन 25,462 नए केस आए थे, जबकि कल सिर्फ 13,336 नए केस। हाँ, मौत की रफ्तार जरूर चिंता में डालने वाली है, लेकिन संक्रमण दर में गिरावट है। संक्रमण दर 29.64% से गिरकर 21.67 पहुंच गई। इसे और कम करने के लिए आज से लॉकडाउन की नई किस्त शुरू है। पॉजिटिविटी रेट का कम होना एक सबसे बड़ा शुभ संकेत है। उसके लिए जो आकलन हुआ है सरकार के स्तर पर वो यही बताता है कि लॉकडाउन जिस तरीके से अमल में लाया गया है वो एक बड़ी वजह है, और इसीलिए आज से जो प्रोविजन है, जो उसके और भी दिशा निर्देश है, उसको और सख्त कर दिया गया है। बिल्कुल मेट्रो परिचालन आज से बंद कर दिया गया है और अगले एक हफ्ते तक मेट्रो नहीं चलेगी। दिल्ली और महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बाद कोरोना के केस कम हुए हैं। 29 अप्रैल को जब लॉकडाउन लगाने का ऐलान हुआ था तब 29,824 डेली केस आए थे और कल ये 23,337 पर पहुंच गया। सवाल उठता है कि आंकड़ों में ये गिरावट स्थायी है या फिर अस्थायी, लेकिन दूसरी लहर की पीक और तीसरी लहर की अटकलों के बीच सरकार से सख्त कदम की मांग तेज होने लगी है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना के मामले कम तो हुए हैं, लेकिन असली चुनौती हर नागरिक को कोरोना से सुरक्षित बनाना, जिसका सबसे अहम तरीका है टीकाकरण। जी हां, दिल्ली में टीकाकरण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच घमासान छिड़ गया है। अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है, और हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन, जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं। कोरोना का टीका यानी कोरोना महामारी के खिलाफ अभेद्य सुरक्षा कवच। शहर शहर जनवरी महीने से टीकाकरण का काम जारी है, कहीं तेजी से तो कहीं सुस्ती से और कहीं अव्यवस्था के बीच। कहने को तो यूं तो पूरी दिल्ली NCR में लॉकडाउन लगा है। वजह है कि कोरोना पर काबू पाना है, और काबू पाने का दूसरा तरीका है वैक्सीन लगवाना। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति हम आपको दिखाते हैं और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की हालत दिखाते हैं, और वो कौन सी लाइन है जहाँ पर ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, वो है वैक्सीन लगवाने की लाइन। यानी कोरोना से बचना भी चाहते हैं, लेकिन कोरोना के जरूरी जो नियम है, गाइडलाइन है, उसका पालन भी नहीं करना है। जैसे जैसे कोरोना टीकाकरण अभियान आगे बढ़ रहा है, वैक्सीन की किल्लत को लेकर सियासी घमासान तेज होने लगी है। कल दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने फिर वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया। बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर दिल्ली, पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में कहा गया है, दिल्ली में 18 से 45 साल के 92 लाख लोग आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को निर्देश दें कि मई से जुलाई के दौरान हर महीने 60 लाख वैक्सीन डोज दिल्ली को सप्लाई करें। दिल्ली अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहा है, हमें लगता है कि हम 3 महीने में दिल्ली की पूरी जनता को वैक्सीनेट कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार दोनों वैक्सीन के स्टॉक दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएगी, और जल्द से जल्द हम दिल्ली के लोगों को इस महामारी से बचा पाएंगे। और ज्यादा वैक्सीन की मांग के बीच केंद्र की वैक्सीन नीति पर सबसे बड़ा वार किया दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने।
सिसोदिया ने पूछा, जब देश में लोग कोरोना से मर रहे हैं तो फिर विदेशों में वैक्सीन बांटने की क्या जरूरत है? हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन, जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं। सिसोदिया के इस हमले पर दिल्ली बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। 1.3 करोड़ वैक्सीनेशन तो आपने ऑर्डर कर दी थी, ये मैं नहीं कह रहा, 26 अप्रैल को आप ही के अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैंने 1.3 करोड़ वैक्सीनेशन का ऑर्डर कर दिया है। क्या हुआ उस वैक्सीनेशन का? उस वैक्सीनेशन की खेप आई या नहीं आई, दिल्ली की जनता जानना चाह रही है। एक तरफ दिल्ली में कोरोना टीके पर घमासान मचा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार को सर्वोच्च अदालत में टीके पर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के अलावा कोविड प्रबंधन पर रविवार शाम को 218 पेज का हलफनामा दिया है। सरकार ने कहा है कि वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ वैक्सीन की उपलब्धता भी बढ़ाई गई। वैक्सीन की किल्लत पर अपने जवाब में केंद्र ने कहा कि अगले 6 महीने तक वैक्सीन की उपलब्धता की सटीक तस्वीर नहीं रखी जा सकती, यानी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसी तस्वीरें भी जारी रह सकती हैं। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कोरोना को रोकने का पूरी दुनिया का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो मुंह पर मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, तमाम अन्य चीजें था, लेकिन लोग एक दूसरे के करीब ना आए इसके लिए लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू जैसे तरीके आजमाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी इस कोशिश को फेल करने में जुटे हुए। मैं अनूप मिश्रा पंडित, पार्षद प्रयागराज, आज सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र कार्य समिति सदस्य, हम सबके प्रिय भाई गौरव मिश्रा जी का जन्मदिन है, बुलाओ 12 बज गया, हम लोग यही सेलिब्रेट करने आज आए हैं। ये है प्रयागराज में बीजेपी के पार्षद अनूप मिश्रा पंडित। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से संगम नगरी में सख्त कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन पार्षद महोदय शनिवार आधी रात को अपने बीजेपी कार्यकर्ता दोस्त का जन्मदिन मनाने निकले। जनता पार्टी काशी क्षेत्र कार्य समिति सदस्य, हम सबके प्रिय भाई गौरव मिश्रा जी का जन्मदिन है, वो आवाज लगाकर दोस्तों को न्योता दे रहे हैं, सेलिब्रेट करने आज आए हैं। हुटर बजाइए भैया, पार्षद की गाड़ी का हुटर भी बज रहा है। आज हम लोग ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और थोड़ी देर में कार की बोनट पर केक काट कर जन्मदिन का जश्न शुरू हो जाता है। हैप्पी बर्थडे, बजाइए हुटर बजाइए, बजाओ गाना बजाओ, बजाइए भैया, आप लोग बहुत लेट कर रहे हैं, कुछ गाना बजाइए गाना। वीडियो वायरल हुआ तो प्रयागराज पुलिस की वसीयत हो गई, लिहाजा आनंद फानन में एक्शन हुआ। कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन कर जन्मदिन मनाने वाले बीजेपी पार्षद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन सब के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। इसमें आप लोगों को पता है कि इसमें आपदा चल रही है कोरोना की, इसके दृष्टिगत अगर कोई भी व्यक्ति उनके निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो उसे अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है, और अभियोग पंजीकृत अदर सुइया में किया गया, सभासद थे इन्होंने इस तरह के कानून को तोड़ा तो उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और उन्हें नोटिस तामीला कराई गई। कोरोना कर्फ्यू लागू करना पुलिस के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ। यूपी के बदायूं का ये वीडियो देखिए, ये जनसैलाब उमड़ा है बदायूं के खानकाहे आलिया कादरिया के सज्जाद नशीन सलीम मियां के जनाजे। सलीम मियां को अंतिम विदाई देने दूर दूर से लोग बदायूं पहुंचे, 2 गज की दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ गई। तस्वीरों में देखिए पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। बदायूं के SSP संकल्प शर्मा के मुताबिक बदायूं कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, आप समझ जाएंगे कि लॉकडाउन लागू करने में पुलिस क्यों सख्ती से पीछे हट रही। अस्पताल में जख्मों की पट्टी करवा रहे ये पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश के श्योपुर के हैं। ये पुलिसकर्मी कोरोना कर्फ्यू की जानकारी देने के लिए श्योपुर के बड़ौदा कलागांव गए थे। पुलिस वालों के मुताबिक वहाँ शराब पी रहे कुछ लोगों को जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने हमला बोल दिया। हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने का सबसे बड़ा हथियार है 2 गज की दूरी, लेकिन साफ नजर आ रहा है लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद
लोग इसकी धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी और शिवपुर से खेमराज दुबे के साथ आज तक। तो एक तरफ देश ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहा है, तो वहीं ऑक्सीजन की मारामारी को लेकर बिहार की राजधानी पटना बेफिक्र दिखाई दे रही है। कचरे में ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए जा रहे हैं। गौर से देखिए, ऑक्सीजन के दर्जनों सिलेंडर कचरे में फेंके दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से जूझते देश में ऐसी तस्वीरें वाकई रोंगटे खड़े करने वाली है। मामला पटना के गर्दनी बाग अस्पताल में सिविल सर्जन ऑफिस का है। ऑफिस के कैंपस के पास जब कूड़े में फेंके 3 दर्जन से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर का पता चला तो हड़कंप मच गया। तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैद हुई तो पटना प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। शहर के डीएम जांच के लिए पहुंचे और सारे ऑक्सीजन सिलेंडरों को हटवाया। डीएम से जब मीडिया ने कचरे में फेंके सिलेंडरों को लेकर सवाल दागे तो जवाब मिला कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों के पास बहुत है, ऑक्सीजन सिलेंडर का इशू नहीं है, मेन इशू है कि उसमें ऑक्सीजन भरने का, ऑक्सीजन की रिफिलिंग का। पटना के डीएम की बातें सुनकर यही मतलब निकाला जा सकता है कि सूबे में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर इतने हैं कि कूड़े में फेंका जा सकता है। बहरहाल अब बिहार की बदहाली की दूसरी तस्वीर देखने के लिए सुपौल चलिए। सुपौल में जीते जी अस्पताल में ना ऑक्सीजन मिला और ना ही एम्बुलेंस मिला, लेकिन मौत के बाद लाश को ऑक्सीजन लगा सड़क पर छोड़ दिया। घटना त्रिवेणीगंज की है, जहां कोविड केयर सेंटर में एक कोरोना मरीज की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमियां छुपाने के लिए शव बीच सड़क पर रखकर ऑक्सीजन लगा दिया। मतलब मैडम हमको कुछ कीजिए, मेरा मतलब ये निकल रहा है, दम निकल रहा है। रिफर जब किए आप, रिफर किए तो ऑक्सीजन लगा के करना चाहिए ना, एम्बुलेंस का व्यवस्था आपने कीजिएगा भाई, काहे नहीं किए ऑक्सीजन का व्यवस्था। उधर यूपी के सिद्धार्थ नगर में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सामुदायिक केंद्र से ऑक्सीजन सिलेंडरों को प्राइवेट गाड़ियों में भरकर ले जाया जा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि सरकारी ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन सामुदायिक केंद्र के प्रभारी का दावा है कि वीडियो में दिख रहे सिलेंडर रिफिल के लिए लाए जा रहे हैं। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।